दर्शक बंधु भारत एवं कनाडा मध्य संपर्क मूलतः वर्तमान बिगिड़बारे लगी एवं परिणति हला कि भारत एवं कनाडा मध्य जो मुक्त वाणिज्य ट्रिटी बा संधि हवा कथा बा चुक्ति हवा कथा एथिरे अनिर्दिष्ट काल पई यह विलंब होवार संभावना देखा देछि। जेतेबेले कोनोसी एक चुक्ति अनिर्दिष्ट काल पई घुंचै दिया जिवार कथा आसे सेतेबेले यह ठंडा बाक्सरे पड़ी रहे एवं एही मुक्त वाणिज्य चुक्ति केबे हब केमिति हब एजावत यार आकलन करिबा ठीक हब नाही, कारण अनिर्दिष्ट अर्थात यार कोनोसी निर्दिष्ट समय सीमा न थाए एवं द्वितीय जो भू राजनैतिक प्रशासनिक स्तर रे दुई देश मध्य जो भली संपर्क गढ़ी उठिले एक मुक्त वाणिज्य नीति बा चुक्ति को साकार करिबा पई संभावना सृष्टि हुए अपातत एबे एही परिवेश दिनक दिन घुंचबारे लागिछि एवं एथिपाई मुख्यतः कनाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दायी बोली एवं एहार एक दृष्टांत मध्य G20 बैठक में देखा मिली। G20 बैठक में जस्टिन ट्रूडो आसीथिले निज पुत्र सह आसीथिले एवं जेमिति सेप्टेम्बर 9-10 रे बैठक खत्म होला से कनाडा फेरी जीवा कथा किंतु एतिकी बेले तांकर विमान रे यांत्रिक त्रुटि देखा गला से फेरी पार नथिले एवं भारत रे 2 दिन रहिथिले। जस्टिन ट्रूडोंकर एभली समस्या को समाधान करिबा पई भारत सरकार तरफरु एयर इंडिया वन प्रस्ताव दिगला। यही विमान रे तांको कनाडा छाड़िबा पई मध्य प्रस्ताव दिया जाइथिला। एयर इंडिया वन विमान कोनोसी साधारण विमान नुह, एथिरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गस्त करिबार थाए, एमाने गस्त करंती। तेणु एभली एक उच्च सुरक्षा संपन्न विमान जहाँ की प्रतिरक्षा विभाग तरफ परिचालित करा जाए एथिरे जस्टिन ट्रूडो को छाड़िबा पई भारत सरकार प्रस्ताव देले एवं एहा को नाकच कर देथिले जस्टिन ट्रूडो। ए नै कनाडा गणमाध्यम रे प्रबल मात्रा रे ट्रूडो को समालोचना करा गला, ताच्छल्य करा गला एवं कहा गला कि निजर अहंग एवं गर्व भाव पई भारत भली एक देश सह जस्टिन ट्रूडो जे भली व्यवहार करिसंती एहा आशालीन व्यवहार। बैठक रे मध्य प्रधानमंत्री मोदी सीधासलख कही कि भारत रीतिमत अनुभव करुच्ची कि कनाडा रे भारत विरोधी अपप्रचार चली, भारत को खंड विखंडित करने योजना चली, केतेबेले भारत राष्ट्रदूत ऑफिस रे आक्रमण करा जाउची, सेठारे रहतुवा भारतीय मानकु धमक दिया जाउची एवं मोटामोटी एक भारत विरोधी परिवेश को कनाडा प्रशासन जेमिति दमन करने कथा एथिरे प्रतिकार करने कथा यह संभवतः करूना एवं ए दिगरे कनाडा प्रशासन निश्चित मात्रा रे सतर्क होवार आवश्यकता रही। किंतु भारत सरकार बारंबार एथि पूर्वरु दाबी एवं सीधासलख मंतव्य परे भी कनाडा प्रशासन ए दिगरे कोनोसी प्रकार वातावरण सृष्टि करूना। आपण माने खबर तो पाइथिबे सेठारे खालिस्तान समर्थन रे किछि खालिस्तानी समर्थक रीतिमत सेठारे थिबा भारतीय मानकु धमक दौचंती, सेमानंकर पूजापाठ स्थली रे व्याघात सृष्टि करुचंती, राष्ट्रदूत ऑफिस रे तो आक्रमण करथिले एवं भारत को विभाजित करिबा पई सेठारे जनमत संग्रह मध्य करा जाउजे एवं एकथा स्पष्ट दिवालोक रे करा जाउथिले मध्य सरकार ए दिगरे नीरव रहिचंती। अच्छा, एहा पछरे जो राजनीतिक वातावरण रहिछि एकथा को आमे बुझवा को हेले वर्तमान जस्टिन ट्रूडो जो सरकार चलैचंती एहा एक गठबंधन सरकार। जस्टिन ट्रूडो सरकार को NDP नामक एक पार्टी समर्थन देछि, एहारी बलरे सरकार चलैचंती एवं एहार मुख्य जे से हेले जगबीर सिंह एवं जगबीर सिंह हेले खालिस्तानी समर्थक मानंकर एक प्रकार रो सहायक। एभली स्थिति रे सरकार भांगी जीवा भयरे हुए तो जस्टिन ट्रूडो कोनोसी घटना को सामना को आणु नाहंती, प्रतिकार करू नाहंती, एक कथा तो बुझा पड़ुछि किंतु एहा एक राष्ट्र हित दृष्टि कोनोसी बाटरे समीचीन नुहे, कारण यार आउ एक दिग को जदि आम आलोचना करिबा ताहले व्यावसायिक क्षेत्र में कनाडा एवं भारत मध्य उत्तम संपर्क रही बढ़ुची। 19-20 डाटा जदि आम देखा तथ्य देखा ताहले प्राय उभय देशर लेनदेन कारबार $6 बिलियन थिबा बेले 2023 रे एहा $8 बिलियन को पहुंची सारलाणी एवं उभय देश में जो पूंजीपति मान रही उभय देश में निवेश करने से आकुंठ चित्तरे अनेक बसि निवेश चली, कारण कनाडार एक बड़ पेंशन फंड रही सेठारे एक निर्दिष्ट वर्ग एक निर्दिष्ट बयस रे पहुंचला परे सरकार तांको पेंशन दियंती एवं एही पेंशन रो एक बड़ भाग जहाँ की निवेश कला परे एही पैसाटी अर्थनीति को संभाली पारिबो, एहिपाई एहार एक बड़ भाग भारत रे मध्य निवेश हिची जहाँ की $51 बिलियन बोली कहा जाउची। तेनु निवेश तो चली व्यावसायिक स्तर में एवं जदि जनसाधारण स्तर में आम देखा ताहले उभय देश में संपर्क संस्कृति दृष्टि हो व्यवहार दृष्टि हो बढ़ी चली, किंतु सरकार बा प्रशासनिक दृष्टिकोण यह धीरे धीरे क्षुण्ण हवा आरंभ हलाणी। एथिपाई जस्टिन ट्रूडोंकर मनोविज्ञान रे परिवर्तन हवा आवश्यकता रही मानसिक परिवर्तन हवार आवश्यकता रही। भारत संदर्भ में से संवेदनशील गंभीर एवं यह संपर्क को केमिति आग को बढ़ेबे एने चिंता करिवार आवश्यकता रही। नचेत आउ जने एमिति के राजनैतिक नेता कनाडा प्रशासन को संभालिबे एवं जदि आगामी दिन में भारत सह संपर्क रक्षा करिवे ताहले उभय देशर एथिपई मंगल होई पारिबो। मुक्त वाणिज्य चुक्ति कथा कहिले यूके एवं भारत यह अति शीघ्र करबाकू जाउचंती कारण यूकेर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यह प्रस्ताव को अत्यंत जोरदार मात्रा रे आगु को बढ़ेवार समस्त योजना आरंभ कर दैचंती। सेपटे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जहा कि सऊदी अरब रो अध्यक्षतार गति करूची। एथिरे यूएई ओमान सऊदी अरब भली अनेक देश भारत सह मुक्त वाणिज्य चुक्ति करबा पई आग्रह प्रकाश करिसथि। तेणु आगामी दिन रे कनाडार विकल्प भारत पाखरे बहुत रही किंतु कनाडा एवं भारतर व्यावसायिक जो भली भाव में लेनदेन प्रक्रिया रे वृद्धि घटाई आग को त्वरान्वित करने को उभय देशर प्रशासन अत्यंत स्थिर एवं सुस्थ राजनीतिक समाधान को आसवा आवश्यकता रही। भारत तो निज तरफ प्रस्तुत रही कनाडा सरकार प्रस्तुत हवार आवश्यकता रही जहाँकि व्यापारिक क्षेत्र को अत्यंत बृहत एवं विकासमूलक भाव में गठन कर आशा कराए। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकू जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।